अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनोबर है। आज हमारे पास पेशेंट है मिसेस ताहिरा कुलसूम। न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस और बैक पेन की वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ये घर जो है वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रही थी। जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी। तो हम मिसेस ताहिरा से पूछते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई। आप अपना नाम बताइएगा और प्रॉब्लम बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। मैं ताहिरा कुलसूम, जैसा आपने बताया मुझे, मैं 4 साल से इस पैर के दर्द में बेइंतहा परेशान थी। बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई भी इलाज का कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा था। बड़े से बड़े हॉस्पिटल गई, छोटे से छोटे हॉस्पिटल गई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इन डॉक्टर के पास जाएँ। जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी जो यहाँ पर पहुँची, क्योंकि मेरे दोनों पैर बिल्कुल सूजे हुए थे और वेट भी मेरा बहुत बड़ा हुआ था। और इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर साहब ने मेरे मतलब एक्सरे करवाए, मेरे खून का टेस्ट हो गया, फिर उन्होंने कहा कि आपको हम इंजेक्शन लगाएंगे घुटनों में। ये जब हमारे पास कंसल्टेशन में आई तो इनको हमने उसी तरीके से जो हमारा एक प्रोटोकॉल है असेस किया, एवेल्युएट किया कि एक तो इनका जो है वो वज़न काफ़ी ज़्यादा था, हमने वेट रिडक्शन प्रोग्राम पे डाला इनको, और उसके साथ साथ इनकी फिजियोथेरेपी हमने स्टार्ट की। क्योंकि ड्यूरिंग द असेसमेंट जब इनको हमने फिज़िकली देखा तो इनकी जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्चर्स थे घुटने के अंदर, ठीक से ये घुटना मोड़ नहीं पा रही थी, सीधा नहीं कर पा रही थी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन उनकी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, बैक के मसल्स काफ़ी इस पाजम में थे, और इनकी जो SLR है, स्ट्रेट लेग रेजिंग है, वो इनकी पॉजिटिव थी। तो बहुत सारे जो है वो इनको प्रॉब्लम्स थे, तो इस वजह से हमने इनको फिजियोथेरेपी प्लान करके इनकी पेन मैनेजमेंट स्टार्ट की, मसल्स एंड्योरेंस हमने बढ़ाई, मसल स्ट्रेचिंग इनको एक्सरसाइजेस बताई, और साथ साथ में इनको वेट रिडक्शन पे डाला। उसके बाद इन्होंने अपना प्लान किया कि मुझे स्टेमसेस ट्रीटमेंट करवाना है। अब इनको स्टेमसेस ट्रीटमेंट करवाए 1 महीना हो चुका है, तो अब ये खुद बताएंगे कि इनको अब किस हद तक बेहतरी महसूस हो रही है आफ्टर स्टेमसेस ट्रीटमेंट। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरे दोनों पैर बेइंतहा सूजे हुए थे, ठीक है, सिर्फ पैर नहीं सूजे थे, मेरी पूरी बॉडी सूजी हुई थी, मेरे हाथ सूजे थे, मेरा चेहरा सूजा था। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे दोनों पैरों का जो वज़न है वो भी कम हो गया है, क्योंकि मेरा वज़न था 104 kg और अब वो पहुँचा है 96 पे, ठीक है। मैंने इस 1 महीने में 10 kg ख़त्म कर दिया, ठीक है, और डाइट भी किया। डाइट के साथ मैं यहाँ पर फिजियोथेरापी करने आती थी रेगुलर, जो आके यहाँ पे वर्जिश होती थी, सब कुछ करके फिर मैं घर चली जाती थी। घर में भी मैं अपनी ये वर्जिश और अपनी डाइटिंग बराबर चार्ट पे रखती। तो आज इनकी देखते हैं कि कितनी रेंजेस बेहतर हैं, और ये खुद भी बताएंगे कि इनका पेन किस हद तक बेहतर हो चुका है। अच्छा, अपनी टांग को सीधी वाले घुटने को ऊपर उठाइएगा, ठीक है, पूरा उठाएं, पूरा उठा सकती हैं आप, इसमें कोई दर्द तो नहीं है आपको, पीछे ले जाएं, दोबारा उठाइएगा, ठीक है, वेरी गुड, इसको उठाइएगा, इसमें कोई दर्द तो नहीं है आपके, पीछे ले जाइए, दोबारा उठाइए, वापस पीछे। ये जो हम मूवमेंट्स इसमें दिखा रहे हैं कि ये प्रॉपर जो है वो स्ट्रेट लेग रेजिंग भी कर रही हैं, फ्लेक्शन घुटने को आगे भी लेके जा रही हैं, टांग को पीछे भी लेके जा रही हैं इजीली, जो कि स्टेमसेस और फिजियोथेरेपी से पहले ये इनके लिए नामुमकिन सी बात थी, पेन की वजह से भी और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी। तो आफ्टर फिजियोथेरेपी एंड आफ्टर स्टेमसेस ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड हो चुकी हैं, और आइंदा भी ये अपनी फिजियोथेरेपी को जारी रखेंगे घर पर ताकि और ज़्यादा इनकी बेहतरी आ जाए। आपको 1 महीना हो चुका ट्रीटमेंट करवाए, आपको कैसा लग रहा है, आप मुतमईन हैं इस ट्रीटमेंट से? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर खालिद महमूद शाह से मुतमईन, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर सनोबर की मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर सित्रा की शुक्रगुजार हूँ, और इस पूरी टीम की, अल खलीज की पूरी टीम ने बहुत बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से मुझे वेलकम करा और मेरी बहुत अच्छी मतलब मेरी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की। मैं बहुत मुतमईन हूँ, और मैं आप सबसे ये कहती हूँ, जिनको अगर कोई भी तकलीफ़ हो वो खुदारा पैसे को ना सोचें, वो एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि उनका पैसा फिर से आ जाएगा लेकिन जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं मुतमईन हूँ यहाँ पर आके।